नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम है नवदीप जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आपको बता दें बाल विकास पुरस्कार विभाग की ओर से पोषण अभियान के तहत 1275 आंगनबाड़ी कर्मियों को नया स्मार्टफोन दिया गया है। बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें इसके अलावा 200 रुपये प्रतिमाह डाटा का पैसा भी दिया जाएगा। देखिए ये आदेश तो हर बार जारी होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर 200 रुपये नहीं दिए जाते। हकीकत क्या है वो किसी छिपी नहीं है। कमेंट में जरा आप लोग बताइए कि आपको 200 रुपये डाटा का रिचार्ज के लिए पैसा दिया जा रहा है या फिर नहीं। आपको बता दें शासन के निर्देश पर DPO कार्यालय ने सूची भेज दी है। साल के अंत तक स्मार्टफोन आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए एक बड़ी खबर इसलिए है, बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बनारस से, ये खबर उत्तर प्रदेश के बनारस से निकल कर आ रही है। 2019 में कुछ बहनों को मोबाइल फ़ोन मिला था और उसके बाद जो है 2021 में मोबाइल फ़ोन का वितरण हुआ। 19 वालों को जो मोबाइल फ़ोन मिला था उनको 2021 में नहीं दिया गया और 2021 में क्या किया गया, उनके मोबाइल फ़ोन को सुपुर्द यानी कि जमा करा लिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें नया फ़ोन नहीं दिया गया। अब वो सभी बहनें भाई हमारे जो है इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमें नया फ़ोन मिलेगा, अब नया फ़ोन मिलेगा, लेकिन उन्हें फ़ोन नहीं दिया गया। अब उनके लिए अच्छी खबर है कि जहाँ जिन लोगों को 2019 से फ़ोन मिल गए थे उनके ख़राब हो चुके हैं, अब उनको जो है फिर से फ़ोन मिलेंगे। बनारस से खबर है 1275 यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नया स्मार्टफोन भविष्य में मिलेगा। अभी तो नहीं मिला है, DPO कह रहे हैं कि कार्यालय ने जो है सूची को भेजा है। साल के अंत तक जो है स्मार्टफोन आने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि साल के अंत तक जो है आप सभी को फ़ोन मिल जाएंगे। बहुत सारे बहनें जो है कमेंट कर रही थी कि भाई मुझे ये बताइए कि जो मोबाइल फ़ोन हमें 2019 से मिले थे वो ख़राब हो गए, सुपुर्द कर दिया, इसके बावजूद भी हमें जो है नया फ़ोन नहीं दिया गया अभी तक। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर आ रही है कि साल के अंत तक जो है उनको भी नया फ़ोन मिल जाएगा। देखिए खबर में आपको बता दें 1496 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं यहाँ पर और 1320 आंगनबाड़ी कर्मचारी काम कर रहे हैं। 100 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र की निगरानी संघ अन्य गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी जानी है। और इसी को लेकर आपको बता दें 5 साल पूर्व सभी को स्मार्टफोन मुहैया कराए गए थे और काम के अधिक लोड एवं तकनीकी, देखिए जरूरी नहीं है कि 2019 में, 19 के पहले भी बहुत आपको बता दें मोबाइल फ़ोन, जब आप कैश एप्लीकेशन में काम करते थे तब आप लोगों को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराया गया था। तो कैश, अब तो पोषण ट्रैकर ऐप चल रहा है लेकिन कैश ऐप लोग ऐप में भी आप लोगों ने काम किया था। शासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है आपको बता दें सूची मांगी है, जिसको लेकर विभाग की ओर से सूची को भेज दिया गया। अब ये सूची आपको बता दें सिर्फ बनारस अकेले से नहीं मांगी गई, जहाँ जहाँ मोबाइल फ़ोन का वितरण नहीं हुआ है वहाँ सब जगह सूची मांगी गई है। स्मार्टफोन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप पर लाभार्थियों की प्रत्येक माह वृद्धि की निगरानी कर पाएंगी। और बड़ी अच्छी खबर है कि जिन जनपदों में मोबाइल फ़ोन आज से 3-4 साल 5 साल पहले मिले थे वो ख़राब हो चुके मोबाइल, उनको सुपुर्द भी कर लिया कि आप नया मोबाइल फ़ोन उनको मिल जाएगा और आपका इंतजार बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। इस खबर को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी के साथ ही बहनों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सच्ची सटीक खबरों के लिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए दूसरी खबर जानते हैं। शामली से खबर है, यूपी के शामली में ग्राम जो है जसाला में आंगनबाड़ी केंद्रों पर HDFC बैंक की ओर से उपलब्ध कराएगी खिलौने और शासन की ओर से उपलब्ध कराएगी प्री प्राइमरी एजुकेशन किट। वितरण कार्यक्रम का जो है शुभारंभ MLC द्वारा किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ताओं को 25 प्रकार के खिलौने प्री प्राइमरी एजुकेशन किट का वितरण किया गया। MLC ने COVID-19 के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की। चलिए तो अच्छी बात है। चलिए तीसरी खबर जानते हैं। देखिए ये खबर पंजाब से निकल कर आ रही है। ऑल इंडिया ऑल पंजाब जो है आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन के संघर्ष को अब बल मिल चुका है। संबंधित विभाग और पंजाब सरकार द्वारा संगठन के दबाव के बाद आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों के वेतन उनके खाते में डलवा दिया गया है। बड़ी अच्छी खबर आ रही है। खैर सरकार जाती और पंजाब सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया कि उनका मानदेय जो है था, वेतन था, उनके खातों में डलवा दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है पंजाब सरकार की ओर से। दरअसल आपको बता दें ब्लॉक मुक्तसर की आंगनबाड़ी वर्करों हेल्परों ने वेतन ना मिलने की वजह से CDPO कार्यालय मुक्तसर के आगे ब्लॉक स्तरीय धरना यूनियन की जो है जिलाध्यक्ष छिंदर पाल कौल की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन के लिए शुरू किया था, परंतु बुधवार को धरने के दूसरे ही दोपहर में विभाग के अधिकारियों ने वर्करों और हेल्परों की लिस्टें बैंक में भेज दी और उनके आपको बता दें खातों में पैसा भी आ चुका है, जिसके बाद जो है संगठन ने रोष और धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। अगर यही काम पहले हो जाता तो निश्चित तौर पर यह धरना प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन आदत से मजबूर है, क्या करें। क्या कहना है ऐसे लोगों के प्रति, आपका कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। चलिए अगली खबर जानते हैं। अब चलिए एक खबर आपको ऐसी बता रहे हैं जो चौंका सकती है। दरअसल राजस्थान सरकार के जो है जनपद भीलवाड़ा से खबर है। भीलवाड़ा के माडलगढ़ ब्लॉक में महिला बाल विकास विभाग की ओर से उड़ान योजना में लाखों की राशि का भ्रष्टाचार सामने निकल कर आया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लोहे के बॉक्स खरीदे विभाग के अफसरों और कार्मिकों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। आंगनबाड़ी की सैकड़ों कार्यकर्ता अपने आप को इसलिए ठगा महसूस कर रही है।
आपको पूरी जानकारी दे दें कि माडलगढ़ ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालित 292 आंगनबाड़ी केंद्रों पर उड़ान योजना के सैनिटरी पैड रखने के लिए लोहे की बॉक्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधे बाजार से खरीदने के आदेश निदेशालय द्वारा दिए गए थे। निदेशालय द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बॉक्स खरीद की राशि 5,960 रुपये तय कर दी गई थी। इन लोहे के बॉक्स खरीदने के लिए निदेशालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में सीधे राशि भेजी, लेकिन क्या हुआ, जिला मुख्यालय के अफसरों और कार्मिकों ने निजी स्तर पर सस्ती दर से लोहे के बॉक्स बाजार से खरीदकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5,960 रुपये के बिल के साथ भिजवा दिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में आई राशि को जबरन वसूल कर लिया गया। तो ये हालत है, इस तरीके से सच्चाई आपके सामने निकल कर आ रही होगी। बता दें कि बाल विकास विभाग के निदेशालय के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टील ट्रंक मटेरियल GI सीट साइज 3.6, मतलब जो एक नियम होता है उस नियम के हिसाब से 35 किलोग्राम वजन होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होना चाहिए, और लोहे के बॉक्स की अनुमानित दर 6,000 रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन क्या हुआ, रद्दी क्वालिटी का बॉक्स भिजवा दिया गया और बैंक अकाउंट से पैसा भी ले लिया गया। आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है बाजार से बॉक्स खरीदने के बाद बिल की राशि समेत सामग्री खरीद के स्थायी स्टॉक रजिस्टर में जो है इंदराज करने के साथ विभाग की महिला पर्यवेक्षक से प्रमाणित और भौतिक सत्यापन के बाद बिल पेश करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसकी पालना नहीं की गई। इस मामले को लेकर जिला परिषद सदस्य हरिलाल जाट ने जो है पंचायत समिति की बैठक में आपको बता दें बात यानी मुद्दा उठाया। 3,500 रुपये 3,000 से 3,500 रुपये वाले बॉक्स यहाँ पर ले लिए गए, बल्कि आपको बता दें राशि 6,000 की थी, समझा जा सकता है आधे औने पौने दामों में जो है ये बॉक्स खरीद लिए गए क्वालिटी से समझौता करते हुए। अब देखिए जाते जाते एक खबर आपको और बता देते हैं, बाकी तो लाइव में मिलेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए यूपी के अयोध्या में अभी दीपोत्सव मनाया जाएगा दोस्तों। अयोध्या में 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए परिषदीय स्कूलों में होने वाली निपुण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल ये खबर मिल रही है कि यह परीक्षा 20 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ है, अब शासन और प्रशासन का पूरा अमला जो है दीपोत्सव की तैयारी में लग गया है। और वहीं एक घटनाक्रम में IAS कपिल सिंह को बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार के निदेशक पद की जिम्मेदारी भी दी गई है। भाई अभी जो है राजपोषण अभियान के निदेशक पद पर भी हैं। आपको बता दें देखिए कपिल सिंह दोनों ही पद संभाल रहे हैं, राजपोषण अभियान के निदेशक तो हैं ही, और इसी के साथ ही अभी आपको मालूम होना चाहिए सारका मोहन अवकाश पर चली गई थी, इसीलिए जो है IAS कपिल सिंह को अतिरिक्त तौर पर बाल विकास पुरस्कार विभाग का निदेशक भी बनाया गया। चलिए आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में रखिए। आज का सवाल है, आप लोगों को डाटा रिचार्ज के लिए 200 रुपये की राशि दी जा रही है या फिर नहीं, आज का सवाल है, आप लोग जवाब जो है कमेंट बॉक्स में रखिए। क्वेश्चन को हम जो है कमेंट बॉक्स में पिन करने वाले हैं, और ये इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जरूर दें, जो सच है उसको ही लिखिए, ठीक है। जिनको राशि मिल रही है पैसा मिल रहा है वो मत लिखें, जिनको नहीं मिल रही राशि वो ही कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, और जनपद का नाम भी लिखें। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, कमेंट बॉक्स में हम पिन करके दे रहे हैं, हालांकि हमने क्वेश्चन आपको बता भी दिया है कमेंट बॉक्स में भी पिन करने वाले हैं। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए फिर बाकी बातें होंगी लाइव में। नमस्कार।